हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं झज्जर जिले में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 90% से गिरकर 85.9% तक पहुंच चुका है। वहीं पॉजिटिव रेट भी 2.2% हो चुका है। जिले में अब तक 1198 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सोमवार को बहादुरगढ़ के एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों का भी टेस्ट करवाया गया, जिसमें एसडीएम ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रताप ने बताया कि एसडीएम ऑफिस के 64 कर्मचारियों में 33 का टेस्ट किया गया, जिसमें एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया। वहीं एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने भी खुद आगे आकर अपना टेस्ट करवाया, उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सरकार की हिदायतों के अनुसार जो है सभी एसडीएम कार्यालय के सभी कर्मचारियों का 64 कर्मचारी जो यहाँ पर है उनको निर्देश दिए गए थे कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, जिसमें से 33 का जो है टेस्ट हो चुका है। सिर्फ एक कर्मचारी जो है हमारा पॉजिटिव आया है, बाकी 32 कर्मचारी जो है नेगेटिव है। एहतियाती के तौर पर उससे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जो है क्वारंटीन कर रहे हैं, और आगे ये स्प्रेड ना हो इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हाँ देखिए, थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, लोग थोड़े से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब बार बार जो है अलग अलग माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से है या अन्य माध्यम से है, हम इस लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप असावधानी जो है वो ना बरतें और अपने लोगों से दूरी बना के रखें, एक जगह पर एकत्र ना हो, इकट्ठे ना हो, ताकि इसका संक्रमण फैले ना।